27 सितंबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की थी। अब इस मिशन से इंडियन रेलवे के हॉस्पिटल्स को भी जोड़ दिया गया है। देश भर में रेलवे के 695 हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स का इंटीग्रेशन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ कर दिया गया है, जो देश भर के हॉस्पिटल्स के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन को एक दूसरे से जोड़ता है। दो दिन पहले 29 जनवरी को रेलटेल ने इस बात की इन्फॉर्मेशन दी थी। आपको बता दें कि रेलटेल इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेटमेंट में ये भी बताया गया है कि इस डिसीजन से रेलवे के 80 लाख कर्मियों और पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा। साथ ही रेलटेल की स्टेटमेंट के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने ये बताया है कि ना सिर्फ इसका प्रॉफिट 80 लाख कर्मियों, पेंशन धारकों और उनके परिवारों को मिलेगा, बल्कि आम लोगों को भी इंडियन रेलवे के हॉस्पिटल्स में डिजिटल तरीके से हेल्थ फैसिलिटी उठाने का फायदा मिल सकेगा। रेलटेल के CMD पुनीत चावला ने न्यूज एजेंसी को बताया कि रेलटेल देश में हो रही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी एक्टिविटीज और गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में की रोल निभाने के लिए कमिटेड है। कंपनी ने रिसेंटली देश भर की सभी रेलवे हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंप्लीमेंटेशन को पूरा किया है। ये रेलवे के हेल्थ सिस्टम के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।